ऐसी पत्नी सबको दे भगवान। सुबह का वक्त था, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अक्सर मैं सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत काम था, इसलिए देर रात तक जागना पड़ा। जागने की वजह से सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए पत्नी को आवाज़ लगाई कि वह मेरे कपड़े तैयार रखे। मैंने बाथरूम में ज़्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कपड़े नदारद थे। मैंने गुस्से के स्वर में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही होगी, इसलिए उसको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, या फिर कुकर की उठती तेज सीटी में मेरी आवाज़ दब गई होगी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज आवाज़ लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यार से रिप्लाई आया, आई। मेरा गुस्सा अपने चरम पर था, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, मैं अंदर से बुरी तरह झल्लाया हुआ था। तभी पत्नी कमरे में आ जाती है और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। मेरे मन में सवाल आया कि क्या उसने मेरी आवाज़ को सुना था या फिर सुनकर अनसुना कर दिया था। फिलहाल जो कुछ भी हो, वह मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहाँ से जाने को होती है। अचानक से वह वापस आती है और मुझसे बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज़ा थोड़ा अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसकी बात कर रही है और क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था। मैं बोला, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शायद उसने गुस्से अथवा प्यार में मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अगले ही पल अपने होठों पर हल्की सी आती हुई मुस्कान को दबाते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज़्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मुझे पत्नी के मुँह से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। मेरे मन में एक सेकंड में हजारों सवाल ऊपर नीचे होने लगे। आखिर किस औरत की बात कर रही है और किससे मिलवाना चाहती है? ऐसे हजारों सवालों के साथ मेरा मन मुझे घेर रहा था। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि किसकी बात कर रही हो। पत्नी ने बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। वह तस्वीर मेरी माँ की थी, जो मुझसे दूर रहती थी, जिनसे कई महीनों से मैं मिला नहीं था। शायद काम की वजह से मैंने उन्हें फ़ोन भी नहीं कर पाया। मैं अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें समय ही नहीं दे पा रहा था। मैंने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ मेरा मोबाइल मुझे थमा दिया। मैंने माँ को फ़ोन किया और उनसे रात भर खाने और साथ में फिल्म देखने के लिए कहा। माँ मेरी आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। शायद वरुण का स्वर था, तुम ठीक हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा इस तरह से फ़ोन करना शायद किसी परेशानी का संकेत था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए नहीं सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम जब मैं उनके घर पहुंचा तो वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे वर्षों से खोई कोई दौलत अकस्मात मिल गई हो। मैंने माँ के पैर छुए और उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वह बार बार मेरी तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। कार में माँ ने बताया कि उन्होंने अपने एक दोस्त को बेटे के साथ खाने के लिए बाहर जाने की बात बताई है। वह काफ़ी प्रभावित थी। फिलहाल हम माँ के पसंद वाले रेस्टोरेंट तक पहुँच गए थे, जो कि दिखने में अब भी अच्छा और आरामदायक था। अंदर जाकर हम दोनों एक साथ बैठे। मैंने पास रखे मेन्यू को उठाया और पढ़ने लगा। एकाएक मेरी निगाह माँ पर पड़ी।
वह अभी भी मुझे देख रही थी, लेकिन इस बार वह मुस्कुराहट गायब थी। वह उदास दिख रही थी। शायद मैंने मेन्यू पढ़ने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा दिया। मैंने मेन्यू को साइड पर रख दिया। मैंने माँ से खाने के लिए पूछा। उन्होंने मेन्यू की तरफ इशारा करके मुझसे कहा, तुम्हें याद है जब तू छोटा था और तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने आती थी, मैं भी तेरे लिए इसी तरह मेन्यू गौर से देखती थी और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करती थी जो तुझको पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है, तू शायद मेन्यू में कुछ नया देख रहा हो। माँ का जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, माँ इस बार मैं आपके लिए मेन्यू पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने एक बढ़िया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने मेरे बचपन से लेकर अब तक के कई किस्से सुनाए। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं वापस बचपन में आ गया हूँ। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी मानो सारी कायनात इसके आगे फीकी हो। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़ मुझे वापस अपने घर जाना था। इन शब्दों का मतलब बाद में समझ आया, लेकिन फिलहाल मैं माँ को लेकर उनके घर पहुँच गया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं, तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगे। मैंने मुस्कुराहट के साथ माँ से कहा, माँ जब आप चाहो, और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। माँ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पेमेंट करेगी। इसके बाद मैंने माँ से विदाई ले ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन। बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह इतना अचानक से हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने माँ के लिए कुछ भी तो नहीं किया था। मैं वापस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस, अपने व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछतावे से क्या होता है, जब माँ थी तब समय नहीं, और अब जब माँ नहीं है तो पछतावा और अफसोस। माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैंने दो लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है। मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे लिए जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपने को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार खुशियाँ बाँटी जा सकती है। और माता पिता तो जीवन की सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है। तो दोस्तों, मेरी यह स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें।